हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं मांडू और इंदौर का ट्रिप होने वाला है और इस ब्लॉग में आपको सारा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि आप जो है भोपाल से बाय कार अगर आप जाते हैं इंदौर और मांडू तो आपको जो है रास्ते में भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हैं और जो है कहाँ पर आपको घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें कौन कौन सी पर्यटक स्थल जो है मिलने वाले हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं 50 किलोमीटर और बचा है मांडू के लिए। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं मांडू। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा। फाइनली आ गए हैं मांडू। ये देखिए, ये है जामा मस्जिद का अंदर का व्यू और सामने है मजेदार गार्डन। तो गाइस, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अशरफी महल और जो है यहाँ पर विजय स्तंभ। तो गाइस, हमने यहाँ से ले लिया है 2 टिकट और 25 रुपीस का एक टिकट है। तो गाइस, यहाँ से अंदर की तरफ करेंगे एंट्री और देखिए वहाँ पर ऊपर से आपको दिखाएंगे व्यू। तो गाइस, यहाँ से ये देखिए बरसात के पानी को निकालने के लिए बनाया गया है। देखिए, ये यहाँ से ये जाएगा इधर स्टोरेज करके यहाँ से और ये पानी इसके अंदर जाएगा। ये है, सो गाइस ये है देखिए प्राचीन हिंदू बावड़ी। तो गाइस, ये देखिए, ये है बावड़ी और इसको देखिए कितनी स्टाइल से बनाया गया है और काफी नीचे तक जो है सीढ़ियाँ दी गई हैं, आराम से जो है इसमें आप नहा सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं मांडू और इंदौर का ट्रिप होने वाला है और इस ब्लॉग में आपको सारा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि आप जो है भोपाल से बाय कार अगर आप जाते हैं इंदौर और मांडू तो आपको जो है रास्ते में भी हम आपको दिखाएंगे कहां कहां आप स्टे कर सकते हैं और जो है कहां पर आपको घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें कौन कौन सी पर्यटक स्थल जो है मिलने वाले हैं। तो अभी हो गया है 8:30 का समय और हम लोग निकले हैं सुबह 6:30, तो लगभग हम लोग पहुंच जाएंगे 12 मांडू और वहां से जो है मांडू विजिट करेंगे, मांडू घूमेंगे और उसके बाद फिर रिटर्न आने वाले हैं इंदौर। तो इंदौर में नाइट स्टे करने वाले हैं और जो है रिजॉर्ट में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सामने का व्यू। में आपको रिजॉर्ट भी दिखाने वाले हैं और रिजॉर्ट को बुक करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे मांडू। तो बाय कार जो है हमें लगने वाला है करीब 3 से 4 घंटा और काफ़ी अच्छा मौसम है, आप देख सकते हैं बढ़िया धूप निकल रही है, ठंडा मौसम है और ज़्यादा रश नहीं है रोड पर। और हमारे साथ है सानवी। सानवी कहाँ जा रही बेटा? इंदौर। इंदौर मांडू। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं 50 किलोमीटर और बचा है मांडू के लिए और अभी बचा है 11, तो 11:30-12 तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रोड है और जो है खाली रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो रहा है
और अभी चलने वाले हैं, यहाँ से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और आपको दिखाने वाले हैं मांडू। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मांडू। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा। तो करीब 4-5 घंटे का सफर हो चुका है और हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं मांडू का फोर्ट। सो गाइस मात्र 10 किलोमीटर ही बचा है। यहाँ देखिए 11 किलोमीटर दिखा रहा है मांडू और सबसे पहले पड़ेगा जहाज फोर्ट और इसके बाद में आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का वीडियो। फाइनली आ गए हैं मांडू और हमारे बीच में है ये देखिए। तो चलेंगे डिटेल में दिखाने वाले हैं आपको। तो गाइस अभी हम आ गए हैं जामी मस्जिद और यहाँ से ये देखिए यहाँ का नज़ारा सामने चलने वाले हैं। असरफी महल और विजय स्तंभ यहाँ पर सामने है और यहाँ से जाएंगे जामी मस्जिद के लिए। ये देखिए ये है जामा मस्जिद का अंदर का व्यू और सामने है मज़ेदार गार्डन और उधर श्रेया शानवी और सोनम मजे कर रहे हैं। कहाँ है बेटा? पता नहीं है। माँ है मांडू। मांडू आए हैं और ये है हमारा जामी मस्जिद। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए हैं और ये जो पिलर्स हैं हाथी पांव की तरह बनाए गए हैं आप देख सकते हैं। और पूरा जो है पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से आप देखेंगे कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है। और सामने देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है, ये देखिए वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है। और इसका जो है टिकट लगता है गाइज 25 रुपये पर पर्सन। तो हमने जो है 50 रुपये का जो है टिकट यहाँ पर लिया है। और इधर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है और गार्डन वगैरह देखेंगे आप। और पत्थर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही प्यारा इसका जो है नक्काशी की गई है। तो ये देखिए सोनम को बच्चे
और इसके बाद आपको दिखाने वाले हैं जहाज महल। तो यहाँ से चलेंगे, विजय स्तंभ दिखाएंगे और विजय स्तंभ के बाद जहाज महल दिखाएंगे। देखिए ये जो है, यहाँ पर जो है नमाज अदा की जाती थी। और देखिए कितना बड़ा जो है जामा मस्जिद है। और ये सामने से व्यू दिखाते हैं। और ये पूरा पैक कर दिया है, अभी इसको जो है ऊपर नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो है, तो ये देखिए काफ़ी बड़ा जो है मस्जिद बना हुआ है। यहाँ पे जो है इसको जो है देखिए, आपको दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। देखिए ऊपर का जो स्तूप बनाया गया है, कितना बड़ा स्तूप बना हुआ है, विशाल स्तूप है। और यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर कुछ इबादत वगैरह करते थे। और इसके अलावा ये देखिए सामने का व्यू, और सामने है मेन गेट। तो यहाँ से हम लोग आए हैं गाइस, देखिए वहाँ से आए हैं हम लोग। और ये देखिए शान भी कहाँ छिपी है। तो यहाँ से निकलने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं उस तरफ का व्यू। तो इधर निकलने वाले हैं, इधर आ, इधर आ, इधर उधर नहीं जा, यहाँ से चलेंगे। और ये देखिए यहाँ पर है, अब आपसे तो जैसे ही आप जो है मांडू के लिए आते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको जामी मस्जिद चौराहे पर दिखेगा, सामने विजय स्तंभ दिखेगा। तो 25 रुपीज़ का टिकट है, और जो है इस टिकट में आप जो है 3-4 जगहों को आप विज़िट कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है जामी मस्जिद का अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ से इस तरफ का व्यू जो है देखते हैं, और उसके बाद फिर सामने की ओर चलेंगे। लगभग आपको जो है ये देखिए यहाँ से हम आ गए हैं मेन रोड की तरफ। और जो है हमने पहले यहाँ पे सामने गाड़ी पार्क की थी, लेकिन जो है हमने फिर उस तरफ कर दी है। तो गाइस अभी हम आपको दिखाने वाले हैं अशरफी महल और जो है यहाँ पर विजय स्तंभ। तो दोनों जो है यहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से इस गेट से निकलने वाले हैं, इस तरीके से इस गेट से निकलेंगे। और ये देखिए यहाँ से जाने वाले हैं अशरफी महल। तो ये देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियाँ आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। और ये देखिए सुरेश को काफ़ी ज़्यादा दौड़ लगा रहा है। सबसे ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से सामने का नज़ारा दिखाएंगे, काफ़ी मज़ेदार। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, और इसमें जो वाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो सामने है हमारे सामने है जामी मस्जिद। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पत्थर है, वाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की जो छत है इस स्ट्रक्चर की जो है डैमेज हो गई है। और यहाँ पर भी देखिए ये काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ यहाँ पर कर दी गई है। तो यहाँ पर लोग हैं सामने की तरफ, और नीचे है अशरफी महल। और तो इसको इस स्ट्रक्चर को पूरा गिरा दिया गया है, देखिए। और ये है नीम का पेड़, दीवार बनी हुई है यहाँ पर। और सामने की तरफ चलते हैं और यहाँ से देखते हैं इधर का नज़ारा। तो कुछ लोग पर्यटक भी आए हुए हैं, देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। और कितना ये पेड़ आप देखिए, कितने सुंदर और फूल वाले ये पेड़। आप बताइए, कमेंट करिए कौन सा पेड़ है और जो है कौन से फूल जो है इसमें लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ से नीचे का व्यू दिखाए थे आपको, ये देखिए नीचे का व्यू।
और यहाँ से भी जो है आप जा सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को काफ़ी तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुँचाया गया है। ये देखिए सामने का नज़ारा। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको क्यों तोड़ा गया है, अगर किसी को पता हो तो आप जो है ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर आप देखिए एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है। और अभी चलेंगे जहाज महल की ओर और जो है जहाज महल आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस ये देखिए ये है कुआं और काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं है आप देख सकते हैं। और इसका जो है इसके अंदर पानी भरा हुआ है। सो गाइस ये है विजय स्तंभ और देखिए इस विजय स्तंभ को जो है डैमेज कर दिया है, धूप काफ़ी है। तो अभी चलेंगे यहाँ से सामने की ओर। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आए हुए हैं और अभी सामने जो है धूप काफ़ी है और टेम्परेचर 35 के आसपास है। सामने है हमारे जहाज महल, तो आपको विज़िट कराएंगे जहाज महल और आपको दिखाने वाले हैं एक और मज़ेदार चीज़। तो ये जो अम्मा बैठी है इनसे बात करेंगे और पूछने वाले हैं कि उनके पास ये क्या रखा है। तो चलिए चलते हैं। अम्मा ये क्या, कौन सा फल है ये जी, क्या है अम्मा? ये इमली है बेटा, खाने की इमली है। नहीं नहीं ये क्या है ये? ये इमली है। इमली है ये? हाँ। अच्छा ये क्या, मैंने फोड़ का पैकेट करा दस। अच्छा इसके अंदर बीज निकलेंगे ऐसे? हाँ, दस दस का है, दस दस का। एक इमली में 7-8 पैकेट निकले, खाने का है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं गाइस अभी। तो गाइस ये है हमारे सामने जहाज महल और यहाँ से जो है टोपी परचेस करेंगे, सानवी को लग रही है धूप, और फिर चलेंगे अंदर की ओर। तो गाइस यहाँ से अंदर इंटर करना है और सबसे पहले वहाँ से लेना है टिकट, और यहाँ से टिकट लेते हैं और उसके बाद में जहाज महल में अंदर इंटर करते हैं। तो ये कैफेटेरिया वगैरह है, जलपान वगैरह करना है, अभी बंद है। यहाँ से टिकट ले लेते हैं और देखते हैं कितने का टिकट है। तो गाइस हमने यहाँ से ले लिया है 2 टिकट और 25 रुपीज़ का एक टिकट है। तो 2 टिकट लिए हैं 50 रुपीज़ के। अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं जहाज महल। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ से अंदर इंटर करने वाले हैं और ये प्रवेश द्वार है, ये सामने है झील है और यहाँ से इंटर करने वाले हैं। ये देखिए तो हमने टिकट दे दिया है और हमने मेन गेट से अंदर प्रवेश कर लिया है। वो देखिए वाव, देखिए वाव, वेरी नाइस। ये देखिए सामने है तालाब, जहाज महल काफ़ी ज़्यादा, और देखिए सुंदरता का नज़ारा कितना बढ़िया। तो गाइस यहाँ से अंदर की तरफ करेंगे एंट्री और देखिए वहाँ पर ऊपर से आपको दिखाएंगे व्यू और जगह जगह जो है तालाब बने हुए हैं इधर आप पहले। और यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जगह में जो है ये, यहाँ पर आप जो है फ़ोटो शॉट वगैरह ले सकते हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर आप जो है धूप अगर ज़्यादा नहीं होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया सुंदरता है। और नीचे देखिए आप, ये जो है इसको ठंडा करने के लिए गर्मी के दिनों में जगह जगह जो है पानी की व्यवस्था बनाई गई है। और ये देखिए यहाँ पर जो है शावर वगैरह चल रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो गाइस यहाँ से ऊपर चढ़ने वाले और देखिए देखिए बच्चों को कितना खतरनाक जो है सीढ़ियाँ हैं। और
देखिए श्रेयस को एक ही बार में दौड़ के वो तो पहुंच गया, और अभी हम आ गए काफी ज्यादा ऊपर। ये देखिए ये देखिए कितने ऊपर आ गए हम लोग, आ जाओ। और इधर तो गाइस यहाँ से ये देखिए बरसात के पानी को निकालने के लिए बनाया गया है। देखिए ये यहाँ से ये जाएगा इधर स्टोरेज करके यहाँ से, और ये पानी इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से जाएगा ये पानी नीचे की तरफ में। देखिए ये यहाँ पे नीचे जाएगा, और वो जो कुंड बने हुए हैं उस कुंड में पानी स्टोर होगा। तो पानी का जो है वेस्टेज को बताने के लिए, पानी की जो है बचाने के लिए इसको ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अभी देखिए यहाँ पर सेम के सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ऐसे ही बनाया गया है, तो ये जो है स्विमिंग पूल की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पानी जो है सीढ़ियों पर जो है भर के इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी जहाज़ महल आप देख रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, और यहाँ से सामने का व्यू आपको कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है गाइस ये है बैक साइड का व्यू, और जो है देखिए सानवी को आ रहा है मज़ा क्या बेटा। और यहाँ से ये सामने एक तालाब है, पानी को स्टोर करते हैं, और यहाँ से जो है इसको इस वाले कुंड में अंदर करते। अभी हम आ गए नीचे की तरफ गार्डन में, और यहाँ से चलने वाले हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से चलेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से आपको दिखाएंगे जहाज महल का व्यू। तो ये जो है यहाँ से इसको बंद कर रखा है, इधर से आओ। ये देखिए लाल पत्थर जिसको बनाया गया है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। ये देखिए ये स्विमिंग पूल टाइप से बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिससे कि जो है आराम से कोई भी व्यक्ति इसको नीचे जा सकता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। अभी हम लोग हैं मांडू के जहाज महल में, और ये देख सकते हैं पिलर कितने बड़े बड़े पिलर हैं, हाथी पाँव के पिलर हैं, और इनका ये साइज है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये है प्राचीन हिंदू बावड़ी। ये देखिए यहाँ पे जो है पानी की निकासी के लिए उस समय का सिस्टम बनाया गया है। ये है गदासा का महल, और यहाँ से देखिए काफ़ी पुराने पेड़ लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे ये देखिए गार्डन टाइप का बना हुआ है, और सामने जो है क्षतिग्रस्त इमारत आपको दिख रही है। आम के जो वृक्ष हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने ये पेड़ हैं, और काफ़ी समय पहले इनको लगाया गया होगा। इंडोला महल, चंपा बावड़ी, जल महल और साई महल है यहाँ पे। तो यहाँ से जाएंगे राइट की तरफ, और सबसे पहले हिंडोला महल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हिंडोला महल का इतिहास। तो आप इसको जो है वीडियो को पोस्ट करके सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं हिंडोला महल में, और ये है हमारे सामने हिंडोला महल। तो सबसे पहले इसको देखते हैं और अंदर चल के देखते हैं कैसा महल है।
ये देखिए, ये देखिए गाइस कितनी मजबूती से बनाया गया है। और इसके ऊपर देखते हैं, देखिए इसके जो है छत को, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और जो है इसकी छत भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और इधर भी अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं ये सब महल को तोड़ दिया गया है। और आगे चलेंगे और आगे चंपा बाबड़ी और साई महल, स्नानागार और जल महल देखने वाले हैं। तो दिलावर खां की मस्जिद यहाँ पर एरो बना हुआ है। यह है हिंडोला महल जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो गाइस ये देखिए, ये है बावड़ी और इसको देखिए कितनी स्टाइल से बनाया गया है। और काफ़ी नीचे तक जो है सीढ़ियाँ दी गई हैं, आराम से जो है इसमें आप नहा सकते हैं। अब यहाँ से सामने की तरफ जो है साई महल है और स्नानागार है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं साई परिसर। तो इसको जो है आप वीडियो को पोस्ट करके सारा डिटेल आप जान सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ से साई महल आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये जो क्रॉस वगैरह आप देख रहे हैं ये जो है पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है ताकि पानी बेस्ट ना हो, और जो कुंड बनाया गया उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये देखो, यहाँ से पानी जाएगा बावड़ी में, यहाँ से इकट्ठा होकर ये पूरा रास्ता बनाया। और यहाँ से जो है स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। तो रानी वगैरह यहाँ पर स्नान करती होगी, स्नानागार है ना ये। और ये इधर साई महल है। अंदर इधर देखते हैं यहाँ से, और जो है पूरा खंडहर है इधर। तो चलो